सुमित, एक आपकी दर्द भरी कहानी भी है जी, आपकी माताजी से रिलेटेड, क्या है वो कहानी? जी, जब पुराने टाइम में जब लड़कियां होती थी तो मेरे से पहले मेरी दो बहनें हैं, फिर भाई है, तो हमारे घर में एक प्रथा थी कि सबसे पहले लड़का होता है। तो मेरी माताजी ने वो प्रथा तोड़ी, पहले लड़कियां हुई तो ताने मिलने लग गए उनको कि तुमने प्रथा तोड़ी है, लड़के सबसे पहले होते हैं और लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मेरी माताजी रोज़ रात को उठ के रोती थी और माता रानी से दुआ करती थी कि मुझे एक बेटा और मिल जाए, एक बेटा और मिल जाए। तो मुझे याद है मम्मी ने बताया था जब कि एक वक्त अष्टमी का रोज़ था, तो उस टाइम तो वो जब माता रानी के ध्यान में थे तब उनको लगा कि कुछ होगा, तब कड़ी मशक्क़त जो दुआओं का जो फल होता है वो कभी ना कभी मिल ही जाता है। दरगाहों से मुझे मांगा, हर वीरवार को मेरी माँ दरगाहों पे जाती थी, मंदिरों में जाती थी, माता रानी की पूजा करती थी, तब जाकर वो मैं आया हूँ। मैं क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी माँ को। समझ सकते हैं, ये बड़ी भावनात्मक कहानी है और ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो बहुत कुछ इनसे मिलती जुलती है। विश कन्या जो है वो भी अपनी माताओं की असलियत के दुख के कारण बहुत परेशान हो रही है। साधा है राजा पर निशाना, लेकिन बेटी रक्षक बनकर सामने आ गई है। एकदम फिल्मी स्टाइल में सितारा ने माँ वृंदा का छोड़ा हुआ तीर पकड़ लिया है। क्या टशन है माँ और बेटी के बीच, एक जान लेना चाहती है और दूसरी अपनी जान पर खेलकर राजा को बचाना। मैं भी सेनापति कुलदीप की बेटी हूं और मैंने ये सब कुछ बचपन से सीखा था, और एक खड़े इंसान पर निशाना लगाना बहुत आसान है, तो मैं भी कर सकती हूँ। हुनर की परख तब जब महाराज चल रहे हैं और ये खुद को बड़ी तीरंदाज बताकर वृंदा ने ये सारा खेल रचा था ताकि सबके सामने निगाहें सेफ पर हो और निशाना राजा को बना सके। लेकिन सितारा को अपनी माँ के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस ये तो अभी शुरुआत हुई है, बिकॉज चैलेंजेस देना स्टार्ट ही किया है हमने अभी। तो तीरबाजी की जंग छिड़ी है दोनों माँ बेटी में। माँ और मौसियों की इस विश कन्या गैंग के साथ सितारा का ये टशन पर्दे पर ही नजर आता है। पर्दे के पीछे तो सब एक साथ बैठकर चिल कर रही हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होते ही इन विश कन्याओं ने भी कूल लुक ले लिया है, फिर चाहे बात कपड़ों की हो या फिर सनग्लासेस की। वैसे सीन में भी हर कोई काला चश्मा पहने ही नजर आ रहा है। समर है, आप देख रहे हो धूप में हम शूट कर रहे हैं आज। हमने कूल सनग्लासेस पहने, सितारा नहीं पहने। बूट में, बट ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी इस सीजन सितारा के सेट पे ही है। सारी हॉट विश कन्या यहाँ पर है, एंटायर टीवी की विश कन्या हॉट नहीं है, हम ही है सिर्फ। यू इमेजिन, वो देखने में चीजें जितनी सुंदर शायद लगती थी, वी ऑल यूज टू बी ब्रूज्ड, लिटरली खूना खून होते थे हम लोग अंदर विद द ज्वेलरी एंड विद दोस कॉस्ट्यूम्स। So right now we feel liberated, हमें ऐसा लगता है हम आजाद हुए हैं। बातों ही बातों में सितारा ने ये भी बता दिया कि फलक नानी बन गई है। कैसे, जरा आदा खान से ही सुनिए। फलक नानी बन गई है तो सब इसे मुबारकबाद दो। इसकी टिप्सी को पपीज हुए हैं, अभी तक 3 हुए हैं और अभी हो रहे हैं और, सो प्लीज़ इसे कॉन्ग्रेट्स करो। मैं दादी और नानी दोनों बन गई हूँ और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे बस ये हो रहा है कि मेरा पैकअप हो जाए, आई विल गो होम एंड आई विल प्ले विद माय किड्स। हम भी घर जाना चाहते हैं। सेट पर फुर्सत मिलते ही ये गर्ल्स गैंग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाती हैं, फिर चाहे सेल्फी लेना हो या फिर वीडियो बनाना। अब सेट पर क्या चल रहा है क्या नहीं, ये अपने फैंस को भी तो बताना होता है ना। खैर, बैक टू द सीन। वृंदा की डायरेक्टर साहब से सीखी तीरंदाजी तो फिलहाल कोई काम नहीं आ सकी है और बाजी बेटी यानी सितारा ने मार ली। देखेंगे अगली चाल में कौन किसे मात देगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।